बस 1 रुपये दे। जनप्रतिनिधि देवियों और सज्जनों, मैं माननीय मुख्य सचिव श्री अरुण मेहता जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज के समारोह में सम्मिलित सभी का आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से धन्यवाद कि किश्तवाड़ का जिला आतंकवाद का दंश झेल चुका है। न सिर्फ आतंकवाद अभी तो कुछ संप्रदाय का बच्चा मूवी थिएटर शुरू होने जा रहा है, इसके लिए मैं सभी किश्तवाड़ी दशक बाद किश्तवाड़ में मूवी थिएटर की शुरुआत मैं कह सकता हूं कि एक नए युग की शुरुआत है किश्तवाड़ के लिए। ये सभी नागरिकों और खासकर युवा पीढ़ी के सपनों की आकांक्षाओं की पूर्णता का भी प्रतीक होगा। मैं टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर किश्तवाड़ में निर्मित किए गए पिक्चर टाइम डिजिटल मूवी थिएटर के उद्घाटन की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और डीसी किश्तवाड़ की विशेष रूप से सराहना करता हूँ कि अल्प समय में किश्तवाड़ के जन भावनाओं को समझते हुए अनेक सराहनीय पहल डीसी किश्तवाड़ ने पिछले कुछ महीनों में की है। मैं मानता हूँ कि किसी भी विकसित एवं आकांक्षी समाज में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। सिनेमा सिर्फ समाज की व्यवस्था, उसकी संस्कृति का दर्पण एवं प्रतीक नहीं है, बल्कि वो नागरिकों के विकास का भी एक इंटीग्रल हिस्सा है। सिनेमा हमारे आसपास बदलावों और सपनों का भी प्रतिबिंब है। 30 साल बाद किश्तवाड़ में सिनेमा स्क्रीनिंग की शुरू हो रही परंपरा को मैं मात्र मनोरंजन के रूप में नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं मानता हूँ कि इसमें 21वीं सदी में हो रहे बदलाव, उसके लाभ से आवाम की जुड़ने की ललक और उसकी आकांक्षा भी शामिल है। देवांश जो डिप्टी कमिश्नर हमारे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास लगातार अनुरोध आ रहे थे कि किश्तवाड़ में मूवी थिएटर शुरू किया जाए। इस तरह का अनुरोध आम नागरिकों की सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करता है तथा प्रशासन में भरोसे को भी दर्शाता है और ये आकांक्षा आज किश्तवाड़ सहित पूरे जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। पिछले साल कश्मीर में शोपियां और पुलवामा में सरकारी प्रयासों से 2 सिनेमा हॉल शुरू किए गए थे। आप सबको मालूम है कि श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स निजी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है। अभी जुलाई महीने में 3 और सिनेमा हॉल प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिलों में सिनेमा हॉल नहीं है उन सभी जिलों में सिनेमा हॉल फंक्शनल हो जाएं, ताकि नौजवान मित्र हमारे मनोरंजन का साधन भी देखें उससे और उससे शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। अब सामान्य तौर पर देखा जाए तो देश के किसी दूसरे हिस्से में सिनेमा हॉल की शुरुआत कोई बड़ी घटना नहीं मानी जाती, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ बाहरी और कुछ अंदरूनी ताकतों के द्वारा ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे जिन्होंने समाज को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेलने का काम किया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 2019 के पश्चात हुए बदलाव ने जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का काम किया है और पूरी शिद्दत के साथ आम नागरिकों के सपनों को साकार करने का हम सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं। मैं नौजवानों के भीतर कलात्मक मानसिकता का विकास होता रहे, नए सपने उनके भीतर की रचनात्मक क्षमता को अभिव्यक्त करने की प्रेरणा देती रहे, इसका हर प्रयास हम सब कर रहे हैं। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग कहा करते थे कि सिर्फ फिल्मों के सपने नहीं देखने हैं बल्कि उसे हकीकत में बदलना भी, और इसलिए मैं समझता हूँ कि सिनेमा व्यक्ति के भीतर कलात्मक सांस्कृतिक सृजनात्मकता को प्रेरित करके उसे साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 120 सीटर का किश्तवाड़ का यह मूवी थिएटर और बच्चों के लिए इंफोटेनमेंट सेंटर किश्तवाड़ जिले में विकास, टूरिज्म
और फिल्म शूटिंग को भी प्रमोट करेगा। इस जिले में मौजूद संभावनाओं तथा बिजनेस को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। बच्चों तथा युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी जम्मू कश्मीर एवं इस देश की सबसे बड़ी पूंजी और ताकत हैं। आपकी आकांक्षा, आपके सपने और उन्हें पूरा करने की दिशा में किया गया प्रयास ही मेरी दृष्टि में प्रगतिशीलता एवं समावेशी जम्मू कश्मीर के विकास का पैमाना है। इस दिशा में लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन नागरिकों को सुविधा देने, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और शिद्दत से कोशिश की जा रही है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं वो पूरी तरह से जनता को समर्पित हों और उसका सदुपयोग हो। अगर आज मैं पूरी वैश्विक परिस्थिति पर नज़र डालता हूँ तो सिनेमा स्क्रीनिंग, थिएटर से जुड़े बिजनेस और आम लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा उपक्रम बन चुका है और मैं कह सकता हूँ अनेक क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में भी इसने बदलाव लाने का काम किया है। 70-80 के दशक में जम्मू कश्मीर बॉलीवुड का अभिन्न अंग बनकर पूरी दुनिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया था। उससे बेहतर वक्त को फिर से वापस लाने का प्रयास जम्मू कश्मीर का प्रशासन कर रहा है। समाज के तमाम वर्गों के साथ युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिले, ये एक बड़ा माध्यम हो सकता है। 2021 में जम्मू कश्मीर की एक नई फिल्म पॉलिसी हम सब ने लॉन्च करी थी। उसके पश्चात 300 से ज़्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। आज सैकड़ों स्थानीय युवाओं को अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। किश्तवाड़ में भी बारवा, मारवा, दक्षिण के अनेक ऐसे इलाके हैं जहां टूरिज्म और फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। आज टाइम पिक्चर डिजिटल मूवी थिएटर द्वारा जो शुरुआत हुई है उससे इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जिला प्रशासन ने बढ़ाया है और किश्तवाड़ की स्थानीय प्रतिभाओं को भी आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, जिस प्रकार सिनेमा की सृजनात्मकता भाषाओं और सीमाओं से परे होती है, उसी तरह समाज भी परिवर्तन तथा तरक्की के लिए अपने ख्वाबों को किसी सीमा में नहीं बांधता है। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर ने सपने देखने बंद कर दिए थे, लेकिन अब तरक्की के नए सपने जगे हैं और किश्तवाड़ आज उसका साक्षी बन रहा है। मैं आप सबको एक बार पुनः इस शुरुआत की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से G20 के आयोजन में पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने मिलकर के सहयोग किया, आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की जो यात्रा है उसमें भी जम्मू कश्मीर के नागरिक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और किश्तवाड़ के लोग भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।